अभी लंच के बाद में हम लोग अभी आ चुके हैं अपने दूसरे प्लेस, दूसरे स्पॉट पे, दैट इज़ एलिफेंट पार्क। एलिफेंट पार्क में यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग और रिवर राफ्टिंग, मतलब सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ इस पार्क में होती हैं। तो चलिए अभी इस पार्क को घूमते हैं, दिखाते हैं सारी चीज़ें। और सबसे पहले यहाँ का ये व्यू देखिए, कितना अच्छा और प्यारा व्यू आ रहा है। तो चलिए यहाँ से अभी अपने दूसरे प्लेस के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आगे की सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने ब्लॉग लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें यार। तो चलिए अभी आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। हाँ, तो यहाँ से ये लेक की स्टार्टिंग होती है और यहीं पे ये रिवर राफ्टिंग भी स्टार्ट होती है। तो चलो आपको रिवर राफ्टिंग दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लेक है और यहाँ पे ये बोट और सारा इसका ये सूट वगैरह रिवर राफ्टिंग का। हाँ, तो बेसिकली हम अभी तीसरे प्लेस पर आ गए हैं यहाँ का डैम देखने। अभी जो पिछले वाले प्लेस पर गए थे, दैट इज़ एलिफेंट पार्क, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें देखी। लेकिन वहाँ का सीन कुछ ऐसा, वहाँ पे जो एलिफेंट का गेट है वो 4 बजे खुलता है और 4 बजने में अभी 1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम, तो हमने सोचा कि डैम वाला जो प्लेस है उसको कवर कर लें। तो चलिए अभी यहाँ का डैम दिखाते हैं और बाकी जो दूसरे वाला प्लेस था एलिफेंट पार्क उसमें भी हम जाएंगे और वहाँ का जो एलिफेंट है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए अभी यहाँ का डैम वाला एरिया देखते हैं, वो सारा कवर करते हैं। यहाँ के लोग जा रहे हैं, ये यहाँ का ये व्यू। चलिए आगे चलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अच्छा, अबे पूरा नहीं लूँगा, पूरा नहीं लाएंगे ये टेस्ट पर। वही भाई, ओ भाई, अच्छा खाया भी।
गाइस वापस अभी हम लोग एलिफेंट पार्क आ गए हैं, क्योंकि 4 बजे एलिफेंट का गेट ये लोग ओपन करते हैं, तो इस वजह से वापस हम लोग वहाँ डैम देखकर वापस यहीं पर आ गए हैं। तो बहुत बड़ा थक गया हूँ मैं तो जस्ट अभी यहाँ पर बैठा हूँ और ये बाकी सब यहाँ ये लाइन में खड़े हुए हैं। तो अभी देखते हैं कितनी देर में नंबर आएगा और देखेंगे एलिफेंट और दिखाएंगे आपको भी। चलो बहुत लंबी क्यू लगी हुई है, पिछले 1 घंटे से हम लोग क्यू में खड़े हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये क्यू आगे तक है और यही बिल्कुल पीछे तक जा रही है। तो गाइस 5:30 बज चुके हैं, अभी भी हमारा नंबर नहीं आया है, तो जस्ट लाइन से बाहर होके हम यहाँ अंदर की साइड में आ गए हैं। और आपको मैं एलिफेंट अभी दिखाता हूँ, ये जूम करके सामने आप ये देख रहे हो, ये है एलिफेंट है। तो बेसिकली एलिफेंट के लिए यहाँ एलिफेंट राइड के लिए यहाँ पे क्यू लगती है और क्यू बहुत लंबी थी। क्यू में हम 4 बजे से खड़े हुए हैं और 5:30 बज गए और अभी भी कोई चांस नहीं है कि हमारा नंबर आ जाए। तो चलिए अभी देखते हैं आगे क्या होगा, जैसा भी होगा आपको बताएंगे। फीलिंग वेरी सैड क्यों मनीष? फीलिंग सैड क्यों है? रिवर राफ्टिंग नहीं मिली ना, तो रिवर राफ्टिंग मिली ना ही एलिफेंट राइडिंग मिली। फीलिंग वेरी सैड, पूरा 2 घंटा सर्वाइव किया, एक बार सुबह भी आए वापस शाम को आए, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाई। चलिए आज के दिन की जो भी ट्रिप थी वो यहीं पे एंड होती है। अभी चलते हैं अपने ट्रेवल बस की तरफ, उसमें बैठेंगे और वापस अपने होटल अकोमोडेशन में पहुँचते हैं। अपने रूम पर आ गए हैं और आज का दिन बहुत अच्छा था, इवन बहुत थक गए, बहुत बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। आज वीकेंड का पहला दिन था, दैट इज़ सैटरडे, और आज हम 3 जगह गए, पहला गोल्डन टेम्पल, दूसरा एलिफेंट पार्क और तीसरा डैम। और बाकी अभी कल का दिन और है वीकेंड का, दैट इज़ संडे, और कल के दिन ही हमें वापस बैंगलोर यानी ग्लोबल विलेज पहुँचना है। तो कल के दिन हम कोशिश करेंगे 7 जो प्लेसेज हैं उनको कवर करने की, और सारी चीज़ें कल के ब्लॉग में बताएंगे। और ये जो कुर्ग की ट्रिप है ये 2 पार्ट में आने वाली है, पहला पार्ट आज और सेकंड पार्ट कल का। तो होप यू लाइक दिस ब्लॉग, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं फिर नए ब्लॉग और नए मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ में। बाय।